बिहार में मतदाती चुनाव की संभावना है? बिल्कुल यकीन 100% ऐसा अपने पांव पे कोई कुल्हाड़ी मारे देखा नहीं मैंने कभी। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया। बिहार में चल रहे सह और मात के खेल के बीच चिराग पासवान यानी कि LJP अध्यक्ष से बगावत करके अब उनके चाचा पशुपति पारस केंद्र के मंत्री बन चुके हैं। आपको बता दें कि जैसे ही चाचा पशुपति पारस केंद्र में मंत्री बने उसके बाद उनके भतीजे यानी कि चिराग पासवान ने उन्हें बधाई दी। साथ ही साथ उन्होंने इस बात को लेकर नीतीश सरकार को पर निशाना साधा और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब नीतीश सरकार की उल्टी गिनती शुरू, जल्द ही अब बिहार में मध्य अवधि चुनाव होंगे। LJP अध्यक्ष चिराग पासवान से बगावत कर केंद्र में मंत्री बन चुके चाचा पशुपति पारस को भतीजे ने शुभकामना दी है। आशीर्वाद यात्रा पर निकले चिराग पासवान इस बात का इंतजार करते रहे कि कब उनके चाचा पशुपति पारस मंत्री पद की शपथ लेते हैं। पशुपति कुमार पारस ने जब मोदी कैबिनेट में शपथ ली उसके बाद उन्होंने बिहार में नीतीश सरकार को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में नीतीश सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और राज्य में जल्द ही मध्य अवधि चुनाव होंगे। चाचा पशुपति पारस पर तंज कसते हुए चिराग पासवान ने कहा कि मंत्री पद के लालच में आज पशुपति पारस उस व्यक्ति की गोद में जाकर बैठ गए हैं जिसने रामविलास पासवान को अपमानित करने का काम किया। पद के लालच में चाचा परिवार और पार्टी दोनों को भूल चुके हैं। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी पार्टी को लगातार तोड़ने का काम किया गया है। नीतीश कुमार तोड़फोड़ की राजनीति में माहिर खिलाड़ी हैं, लेकिन अब संकट उनके माथे पर आने वाला है। चिराग पासवान ने कहा कि चाचा भले ही मंत्री बन गए हैं, लेकिन पार्टी पर उनका दावा मजबूत नहीं है। चिराग के लिए यह कानूनी लड़ाई है और उनके मुताबिक पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि लोक जनशक्ति पार्टी का अध्यक्ष कौन था और कौन रहेगा। चिराग ने कहा कि अगर पशुपति पारस को लोक जनशक्ति पार्टी के कोटे से मंत्री बनाया गया तो यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उन्होंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस बाबत जानकारी दी थी कि पशुपति पारस को लोक जनशक्ति पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है। चिराग ने कहा कि पीएम मोदी किसी भी पार्टी से पारस को मंत्री बना सकते थे, लेकिन LJP कोटे से नहीं। चिराग पासवान ने कहा कि इस मामले को कानूनी लड़ाई में ले जाएंगे। देखिए यकीनन कई ऐसे असंतुष्ट जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं जो हम लोग के संपर्क में हैं, और आज के बाद तो और ज़्यादा, क्योंकि आपने अपने नेताओं को आपने प्राथमिकता ही नहीं दी। आपने सिर्फ एक मंत्री, दूसरा मेरे परिवार को तोड़ने के लिए, मुझसे बदला लेने के लिए आपने जबरदस्ती मेरे परिवार के सदस्य का नाम आपने सामने दिया, जबकि आपकी पार्टी में कई ऐसे महत्वपूर्ण है। भाई ललन सिंह जी का क्या होगा, उनकी तो एक अहम भूमिका रही थी इस पूरे प्रकरण में। आपकी पार्टी में KC त्यागी जी हैं, कितने और महत्वपूर्ण लोग हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, सबको आपने नज़रअंदाज कर दिया। संतोष कुशवाहा जी, उनका नाम इतनी मजबूती से चल रहा था, आज जब मैं यहाँ समस्तीपुर में मौजूद हूँ, कर्पूरी ठाकुर जी के सुपुत्र रामनाथ ठाकुर जी, उनका नाम इतनी मजबूती से चल रहा था, आपको इनमें से कोई नहीं दिखा अपनी पार्टी का, सबको नज़रअंदाज कर कर आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी रंजिश निकालने के लिए मेरे परिवार के सदस्य का नाम आगे कर दिया। ऐसा अपने पांव पे कोई कुल्हाड़ी मारे देखा नहीं मैंने कभी। बिहार में मतदाता चुनाव की संभावना है? बिल्कुल यकीनन 100%। तो आपने सुना कि चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा। उन्होंने नीतीश सरकार को चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि बिहार में अब नीतीश सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, साथ ही साथ अब बिहार में जल्द ही मध्य अवधि चुनाव होंगे। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।